टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के उन स्टार्स में शुमार हो गए हैं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपनी जगह सुपर स्टार्स में बना ली है। आज टाइगर का जलवा हर जगह दिख रहा है। इतना ही नहीं, अब तो टाइगर पर हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की निगाहें तक पड़ गई हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ जल्द ही हॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट की माने तो हॉलीवुड के प्रोड्यूसर लॉरेंस केसनॉफ की नजर अब टाइगर श्रॉफ पर पड़ गई है। केसनॉफ टाइगर से इस कदर इम्प्रेस हैं कि वो टाइगर से फिल्म पर फाइनल डिस्कशन के लिए हॉलीवुड से हाल ही में मुंबई पहुंचे हैं। आपको बता दें कि टाइगर सिद्धार्थ आनंद की बनाई जाने वाली हॉलीवुड के एक्शन हीरो सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक में मेन रोल निभा रहे हैं। और एक सोर्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ और हॉलीवुड के सुपरहिट मॉर्टल कॉम्बैट फिल्म सीरीज के प्रोड्यूसर लॉरेंस केसनॉफ के बीच मुंबई के एक होटल में कई मीटिंग्स हुई हैं। केसनॉफ के अलावा हॉलीवुड के एक बड़े स्टूडियो के हेड लैरी और फिल्म बैटमैन सीरीज के राइटर सीन कैथरॉन डेरेक भी टाइगर से मिलने मुंबई पहुंचे। आपको बता दें, मीटिंग्स के दौरान संजय ग्रोवर भी मौजूद थे। संजय पिछले एक साल से इस फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। भारत आने से पहले ही संजय से जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर बात की गई थी, तब वो संजय ही थे जिन्होंने फिल्म के मेकर्स को किसी नए चेहरे को कास्ट करने की सलाह दी थी। और संजय ने ही अपने बचपन के दोस्त टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म में लीड रोल के लिए रिकमेंड किया, जिसके बाद हॉलीवुड फिल्म के मेकर्स ने टाइगर के काम को देखा और माना कि टाइगर श्रॉफ में इंटरनेशनल लुक है, वो मार्शल आर्ट्स में बेहतरीन है और इस रोल के लिए उनकी उम्र भी बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि संजय ग्रोवर गुलशन ग्रोवर के बेटे हैं और वो हॉलीवुड के एक स्टूडियो मेट्रो गोल्डविन मायर में स्पेशल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के तौर पर एक दशक से ज्यादा समय तक काम कर चुके हैं। और इस दौरान संजय कई फिल्मों से जुड़े रहे हैं, जैसे द हॉबिट, द ज़ूकीपर, फेम, क्रीड और जेम्स बॉन्ड। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही टाइगर के इस नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है, डेफिनेटली उनके फैंस उनके हॉलीवुड डेब्यू के लिए काफी एक्साइटेड होने वाले हैं। वेल, नाउ लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच।